आकाश दिस साइड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्काई डायरी स्पीक्स में। एंड आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, जो 12th कॉमर्स का नया सिलेबस है। इसमें हम लोग ये सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिड्यूस किए हैं, जो कि इस साल आपको नहीं पढ़ने। तो वो टॉपिक्स कौन से हैं उसके ऊपर हम लोग का पूरा डिस्कशन स्टार्ट टू एंड रहेगा। अच्छे से वीडियो स्टार्टिंग टू एंड देखिएगा, मैं आपको कौन से क्वेश्चंस कम हुए। कोई चैप्टर पर्टिकुलर रिड्यूस नहीं हुआ है सर, हर एक चैप्टर के या कुछ चैप्टर्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस उन्होंने क्या किए हैं, कैंसिल किए। कैंसिल मतलब सर इसी साल के लिए कैंसिल किए, अगले साल से पढ़ने पड़ेंगे। सो आपको मैं पेज नंबर के साथ बता रहा हूँ कंसेप्ट कहाँ पे है। अगर आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का PDF भी रहेगा तो आप उसमें मार्क करके रख सकते हैं या तो लिख के रख सकते हैं कि हाँ ये कंसेप्ट आपको इस साल पढ़ना नहीं है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड चलिए फिर चालू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक के साथ। देखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आपको दो क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं। पहला तो जो क्वेश्चन है वो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, एंड दूसरा जो क्वेश्चन है वो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, वो पेज नंबर 3 पे मिलेगा आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के, वो आपको नहीं पढ़ना है। प्लस जो सेकेंड क्वेश्चन है वो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रहेगा, वो आपको पेज नंबर 10 पे मिलेगा, जो कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं। आपको चैप्टर नंबर 2 जो है वो पूरा पढ़ना है, एंड चैप्टर नंबर 3 जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करके, वो चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जो कि आपको पेज नंबर 39 पे मिलेगा। वो क्वेश्चन आपको इस साल नहीं पढ़ना है, सो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। देन आपको चैप्टर नंबर 4 पे जाना है, उसमें चैप्टर नंबर 4 जो बिजनेस सर्विसेज का चैप्टर है, उसमें आपको ट्रांसपोर्ट ये एंटायर कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, प्लस कम्युनिकेशन ये एंटायर कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। सुनो, ट्रांसपोर्ट जो कि आपको पेज नंबर 74 से स्टार्ट होता है, 4.7 है, 4.7 पूरा एंटायर आपको नहीं पढ़ना है, 4.7 आपको पढ़ना ही नहीं है। देन कम्युनिकेशन पेज नंबर 80 से स्टार्ट होता है, देखिएगा 4.9 है ये, 4.9 आपको पूरा नहीं पढ़ना है, कंप्लीट कम्युनिकेशन टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। देन आपको आना है चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 5 है वो पूरा पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर 6 जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको जाना है 122 पेज पे, 122 पेज पे जो कंसेप्ट है बिजनेस एथिक्स, दैट इज 6.4 है, वो आपको कम्प्लीटली बिजनेस इथिक्स नहीं पढ़ना है। बिजनेस इथिक्स 6.4 आपको एंटायर कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। देन आपको जाना है चैप्टर नंबर 7 पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपको दो क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एंड दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। सो फर्स्ट जो है वो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, जो कि 134 पेज नंबर पे दिया है, वो आपको नहीं पढ़ना है। प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर जो कि 137 पेज पे है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 में। देन आना है आपको चैप्टर नंबर 8 में, जो कि मार्केटिंग चैप्टर है, एंड इसमें टाइप्स ऑफ मार्केट जो क्वेश्चन है वो आपको इस साल नहीं पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मार्केट पेज नंबर 153 पे दिया है, वो आपको इस साल नहीं पढ़ना है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अकाउंट सब्जेक्ट में आपको कौन से टॉपिक स्टडी नहीं करने हैं इस साल के लिए, एंड देन हम लोग बात करेंगे अगले और सब्जेक्ट्स के रिलेशन में। 12th कॉमर्स के OC, SP एंड इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं गूगल मीट इस ऐप के थ्रू, एंड वहाँ पे मैं चालू करने वाला हूँ ऑनलाइन लेक्चर्स फॉर दिस 3 सब्जेक्ट्स। सो आपको क्या करना है सर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया है, वहाँ पे व्हाट्सएप करना है स्काई डायरी स्पीक्स करके, एंड आपको फिर लेक्चर का लिंक सेंड कर दिया जाएगा। और लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं सर 10th अगस्त से, तो सर ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। एंड डेली कुछ नया सीखते रहना, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड विथ स्काई डायरी स्पीक्स. थैंक यू सो मच.